नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आइए, आज का अपना टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग के अंदर कम से कम आपको ये टॉपिक तो आना ही चाहिए। जो लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग है वो टॉपिक आपका कम से कम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी हर जगह ज़रूरत होती है। चाहे आप अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, सेकंड ईयर में, या कोई से भी बैच में स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, या फिर नर्सिंग फील्ड में जा चुके हैं, मतलब नर्सिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ज़रूरत होती है। और इससे हर एग्ज़ाम के अंदर एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं RRB के, जो भी मतलब एम्स के, कोई भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हम इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग के अंदर अपन इन चार चीज़ों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टॉर्ट्स, सेकंड एथिक्स, थर्ड वन इज क्राइम, एंड फोर्थ वन इज गुड सेमेटोरियन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टॉर्ट कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, मतलब कोई भी जो रॉन्ग कमिटमेंट होती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, या किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई रॉन्ग कमिटमेंट करता है तो उसे टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, टॉर्ट इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। टॉर्ट क्या होता है, इंटेंशनल भी होता है और अनइंटेंशनल भी होता है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इंटेंशनल टॉर्ट की। ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आते हैं, जो इंटेंशनल टॉर्ट होता है उसमें क्या होता है, विलफुल एक्ट होता है। विलफुल एक्ट इंटेंशनल टॉर्ट में आता है, विलफुल एक्ट दैट वायलेट अनदर्स राइट। इंटेंशनल का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटेंशनल का मतलब है कि जानबूझकर किया गया, अपने खुद के इंटेंशन से, खुद की कॉन्शियसनेस से किया गया कार्य। ठीक है, जो कि दूसरे के जो राइट्स होते हैं उनको हार्म पहुंचाए, ऐसा कोई कार्य अगर कोई करता है तो उसे इंटेंशनल टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं असोल्ट। इंटेंशनल टॉर्ट में आता है सबसे पहले असोल्ट। असोल्ट क्या होता है, हार्मफुल एंड ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट। हार्मफुल एंड ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट, हार्मफुल एंड ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट मतलब कि हानिकारक, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपन क्या पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट कर, वो हो गया असोल्ट। इसका एक एग्जांपल है कि अगर नर्स पेशेंट को मारती है या फिर कैसे भी मतलब उसके साथ कुछ भी करती है और उसको बोलती है कि दवाई ले लीजिए, या फिर उसको मतलब दवाई देती है, मारपीट के दवाई देती है। अगर वो वैसे दवाई नहीं ले रहा तो उसको मारपीट के अगर वो दवाई दे रही है तो इसे अपन कहेंगे असोल्ट। ठीक है, ये आ गया असोल्ट के अंदर। कभी भी जो क्वेश्चन है वैसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट आता है अपना बैटरी। बैटरी क्या होता है, इंटेंशनल टचिंग विदाउट कंसेंट, मतलब अपनी खुद की इच्छा से, इंटेंस, अपने खुद के इंटेंस से अपन किसी भी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के। अपने पास उसका कंसेंट नहीं है, पेशेंट का कंसेंट नहीं है, या फिर उसके रिलेटिव्स ने अपने को कोई कंसेंट नहीं दिया और उसके बाद भी अपन उससे क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपन को कोई प्रोसीजर ही करना है, कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर करना है, या फिर अपने को सेंटर लाइन डालनी है, या कोई भी प्रोसीजर है। ठीक है, छोटा मोटा कोई भी प्रोसीजर है जो अपन कंसेंट लेके करते हैं, तो अपन ने कंसेंट नहीं लिया और अपन वो काम कर रहे हैं तो आ जाएगा बैटरी के अंदर। ये भी एक टॉर्ट है, इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिफामेशन। डिफामेशन में क्या होगा,
फॉल्स स्टेटमेंट दैट डैमेज पर्सन रेपुटेशन। डिफामेशन का मतलब है कि कोई भी गलत स्टेटमेंट जो कि पर्सन की क्या कर रहा है, रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो चाहे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। जैसे मान लीजिए कोई भी नर्स है, उसने दूसरी नर्स के बारे में ये बोल दिया कि हाँ भाई उस नर्स ने ये गलत काम कर दिया, ठीक है, और वो जाके मतलब कहीं पे भी असेंबली थी या बहुत सारी नर्सेज इकट्ठा हो रही थी, तो वहाँ पे जाके उसके बारे में एक नर्स ने जाके बोल दिया कि उस नर्स ने ये गलत काम कर दिया, तो उसके तो जो नर्स है जिसने गलत काम किया भी नहीं, तो उसकी तो रेपुटेशन डैमेज होगी ना। जैसे वार्ड के अंदर मान लीजिए कि कोई इंजेक्शन था पेशेंट को लगाना था, दूसरा इंजेक्शन वो बोल रही है नर्स, उसने देखा भी नहीं चाहे कैसे भी मतलब, लेकिन वो बोल रही है कि इसने इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया। या फिर आप ये एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी पेशेंट है, पेशेंट ने किसी भी नर्स के बारे में, कई नर्सेज की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जाके गलत बोल दिया उस पेशेंट के, उस नर्स के बारे में, तो वहाँ पे नर्स की क्या हो गई, रेपुटेशन डैमेज हो गई। इसके भी डिफामेशन के भी दो टाइप होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप आता है स्लैंडर और सेकंड टाइप होता है इसका लाइबल। स्लैंडर के अंदर तो क्या होता है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट वो दे रही है, मतलब कोई भी जो आदमी दे रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, वो वर्बली होता है, मतलब वो कोई भी रिटर्न या कोई भी पिक्चर के रूप में नहीं होगा, वर्बली मतलब बोल के अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है किसी के लिए, तो आ जाएगा स्लैंडर के अंदर। डिफामेशन का ही एक टाइप है स्लैंडर, तो उसके अंदर आ जाएगा। और लाइबल के अंदर क्या होगा, रिटर्न और पिक्चर फॉर्म में, अगर रिटर्न या पिक्चर फॉर्म के अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, लाइबल डिफामेशन। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक नर्स है, नर्स अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रही है या किसी मेल का वेट कर रही है कि उसके पास भाई कोई मेल आएगा, तो वो मेल है उसके अंदर उसके पास कोई भी गलत पिक्चर या कोई गलत मेल आ जाता है, तो उसको एक गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, फाल्स मतलब स्टेटमेंट आया उसके पास, जो भी स्टेटमेंट आया वो फाल्स स्टेटमेंट आया, तो ये क्या हो गया, डिफामेशन, लाइबल डिफामेशन, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट फ्रॉड। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, असोल्ट, उसके बाद बैटरी, फिर डिफामेशन और अब फ्रॉड पढ़ रहे हैं। बैटरी सबसे पहले असोल्ट के अंदर तो क्या था कि वो हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट कर रही थी किसके साथ, जो भी मतलब पेशेंट था उसके साथ हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट कर रही थी, कि उसको मतलब मार पीट किया कैसे भी, मतलब वो मान नहीं रहा दवाई लेने के लिए, तो उस पेशेंट्स के ये जो राइट होते हैं उसका मतलब हनन कर रही है वो एक तरीके से, उसको कैसे भी दवाई दे रही है, इंजेक्ट कर रही है उसको बांध के, मतलब उसके अगर कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही है वो पेशेंट मना कर रहा है उसके बावजूद भी, तो वो हो गया असोल्ट। उसके बाद में बैटरी आता है, बैटरी के अंदर विदाउट पेशेंट कंसेंट और पेशेंट्स रिलेटिव कंसेंट, अगर वो कोई भी मतलब प्रोसीजर अप्लाई कर रही है, प्रोसीजर कर रही है, तो वो आएगा किसके अंदर, बैटरी के अंदर। बैटरी के बाद में आता है डिफामेशन। डिफामेशन के अंदर क्या होता है, फाल्स स्टेटमेंट, फाल्स स्टेटमेंट जो कि पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके भी दो टाइप होते हैं, दो टाइप कौन कौन से, फर्स्ट तो सिलेंडर और दूसरा लाइबल। सिलेंडर के अंदर तो क्या होगा, फाल्स स्टेटमेंट जो कि वर्बली और मतलब स्पोकन होगा, ठीक है, ऐसे सिलेंडर के अंदर ऐसे स्पीक और एल से लिखना, लाइबल, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो आप, ऐसे ऐसे सिलेंडर स्पीक, ऐसे स्पीक और एल से लिखना, हिंदी के अंदर लिखना, ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर और लाइबल के अंदर। इसके बाद में आता है फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर क्या होता है, पर्पजफुल फाल्स, मतलब अपने खुद के पर्पज़ के लिए कोई भी जो गलत चीज़ बोली गई है उसे ही कहते हैं अपन फ्रॉड। फ्रॉड के बाद में नेक्स्ट आता है इन्वेजन ऑफ
प्राइवेसी, ये सभी अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इंटेंशनल टोर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। इंटेंशनल टोर्ट विलिंगफुल एक्ट दैट डैमेज पर्सन्स रेपुटेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आता है कि मतलब इन्वेड कर रहे हैं अपन किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर, इन्वेड मतलब घुस रहे हैं उसकी लाइफ के अंदर। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब प्राइवेट जो उसकी लाइफ है उसके अंदर अगर अपन घुस रहे हैं तो हो गया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इंटरफेयर इन प्राइवेट लाइफ ऑफ अनोदर पर्सन, कोई भी जो दूसरा पर्सन है उसकी लाइफ के अंदर अगर अपन इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। उसके इसके भी मतलब दो पार्ट होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि इसको भी दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इंट्रूजन और पब्लिक डिस्क्लोजर, ठीक है। इंट्रूजन के अंदर और पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर बस एक मामूली सा फ़र्क है। इंट्रूजन के अंदर तो क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो उसके प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट जो अफेयर्स हैं उसके अंदर घुस गया तो उसे तो बोलेंगे इंट्रूजन। और अगर वो घुसने में असफल होता है या फिर नहीं घुस पाता है या फिर घुस भी गया और उसके बाद उसको पब्लिकली मतलब जो भी उसके प्राइवेट अफेयर है उसको पब्लिकली रिप्रेजेंट कर देता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पब्लिक डिस्क्लोजर, ठीक है। यही फ़र्क है उसके अंदर इंट्रूजन और पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर। इंट्रूजन में तो वो उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर घुस रहा है और पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर वो क्या कर रहा है कि जो प्राइवेट अफेयर है उनको पब्लिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सभी को बता दिया उसने, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अनइंटेंशनल टोर्ट। अनइंटेंशनल टोर्ट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो अनइंटेंशनल टोर्ट अपन किसे कहेंगे, इसके अंदर बिना इच्छा के अनविलिंगफुल एक्ट दैट वोलेट अनोदर्स राइट, मतलब इसके अंदर उसकी खुद की इच्छा नहीं होती उसके बाद भी वो मतलब क्या करता है, वोलेट करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है अनइंटेंशनल टोर्ट के अंदर कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उससे मतलब गलती हो रही है उसको काम आता है लेकिन वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, उससे मिस्टेक हो रही है कि हाँ भाई वो भूल गया उसके कारण उससे गलती हो गई, अनइंटेंशनल टोर्ट कहेंगे उसको। इसके अंदर वैसे तो एक ही चीज़ आती है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का ही एक टाइप है माल प्रैक्टिस। पहले अपन नेग्लिजेंस देखते हैं। नोइंग अबाउट राइट थिंग बट नॉट टू डू। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है कि वो सही चीज़ के बारे में जानता है, पर्सन जो भी है वो सही चीज़ के बारे में जानता है, उसको सही चीज़ का पता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। नॉट टू डू इट मतलब इसे कर नहीं पा रहे हैं, जैसे लो स्टैंडर्ड केयर हो गई, पर्सन जो केयर दे रहा है वो लो स्टैंडर्ड केयर दे रहा है। जैसे मतलब उसको 2 लीटर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है किसी भी पेशेंट को, ठीक है, उसने 1.5 लीटर ही ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की तो ये क्या होगी, लो स्टैंडर्ड केयर होगी। जैसे डॉक्टर है, कई बार पेपर्स में भी आता है डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय सीजर पेट के अंदर छोड़ दी, तो डॉक्टर खुद जानबूझ के थोड़ी ना सीजर छोड़ता है उसके पेट के अंदर, डॉक्टर क्यों चाहेगा कि हाँ भाई वो सीजर छोड़े, वो गलती से हो जाता है, मतलब उसकी मिस्टेक है, तो वो नेग्लिजेंस है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस, ठीक है। उसके ध्यान नहीं रहा, वही क्या है नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस भी एक इसी का ही टाइप है। माल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, केयरलेस रॉन्ग बिहेवियर बाई ए प्रोफेशनल दैट इज़ इम्प्रॉपर एंड क्योज इंजरी, मतलब इसके अंदर जो बिहेवियर होता है वो केयरलेस बिहेवियर होता है, उसके मतलब ध्यान नहीं रहता और रॉन्ग बिहेवियर, ये एक गलती हो जाती है, मतलब उससे ये गलत चीज़ हो जाती है भाई ये प्रोफेशनल से, और ये इम्प्रॉपर होती है और इंजरी भी क्योज कर सकती है। जैसे माल प्रैक्टिस के अंदर अगर डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, उसने पेशेंट का पूरा डायग्नोसिस किया ही नहीं, मतलब उसको आगे सीटी स्कैन एमआरआई के लिए भेजना चाहिए था, मान लीजिए उसने एक्सरे देख के डायग्नोस कर दिया कि हाँ भाई इसके ये बीमारी है और इसको ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। जैसे सीरियो एक्टिव प्रोटीन किसी का बढ़ा हुआ है और उसके इन्फेक्शन, डॉक्टर ने बोल दिया कि इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देने लग गया,
या किसी के उसने डायग्नोस कर दिया कैंसर है बिन न्यूज़ के, और उसने डायग्नोस कर दिया कि कैंसर है और उसके कीमोथेरेपी चला दी, रेडिएशन थेरेपी चला दी, उसके बाद पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो एक तरीके से माल प्रैक्टिस है, ठीक है। इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, माल प्रैक्टिस। इसके अंदर है ना दो चीज़ें और आती हैं, अगर अपन पढ़े नेग्लिजेंस के अंदर तो दो चीज़ें और आती हैं। एक आता है एक्ट ऑफ कमीशन और दूसरा आता है एक्ट ऑफ ओमिशन। एक आता है एक्ट ऑफ कमीशन और दूसरा आता है एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब तो क्या होता है और एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब है इनएप्रोप्रिएट एक्शन, जो एक्शन ले रहा है वो इनएप्रोप्रिएट एक्शन है, कोई भी जो भी मतलब एक्शन लिया जा रहा है वो इनएप्रोप्रिएट एक्शन है। और एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब है, एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्शन होता है ना वो एप्रोप्रिएट, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन होता है, जो कोई भी वो एक्शन ले रहा है वो लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन है, ठीक है। यही चीज़ है, यही फ़र्क है एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन के अंदर। ये दो चीज़ें और थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्राइम। अपन ने फर्स्ट में वो चार चीज़ें पढ़ी थी, उसमें से अपन ने टोर्ट पढ़ लिया। टोर्ट दो टाइप के होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल के अंदर अपन ने पढ़ा फर्स्ट तो असोल्ट, दूसरा बैटरी, उसके बाद में थर्ड वन था डिफामेशन। डिफामेशन के भी दो टाइप पढ़े अपन ने, कौन कौन से डिफामेशन के दो टाइप कौन कौन से पढ़े अपन ने? फर्स्ट तो था डिफामेशन के दो टाइप पढ़े अपन ने, उसके अंदर था सिलेंडर और लाइबल। सिलेंडर के अंदर तो क्या था, फाल्स स्टेटमेंट जो कि अपन बोल के एस फॉर स्पीक, और लाइबल के अंदर था रिटर्न, ठीक है। उसके बाद पढ़ा अपन ने फ्रॉड, उसके बाद इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में भी दो थे, इंट्रूजन और पब्लिक डिस्क्लोजर। इंट्रूजन में तो वो क्या कर रहा था, उसके प्राइवेट लाइफ के अंदर घुस रहा था, और पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर वो पब्लिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद में इंटेंशनल टोर्ट, जिसके अंदर एक चीज़ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के टाइप माल प्रैक्टिस। उसके बाद में अब आता है अपने पास क्राइम। क्राइम क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो क्या करता है, जो सोशल जो रूल्स हैं उनको क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तोड़ता है। जो सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो भी सोसाइटी के जो लाज नियम्स हैं, उनको अगर कोई भी बंदा तोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, क्राइम कहते हैं। क्राइम दो टाइप का होता है यहाँ पे, फेलोनी और मिसडेमेनर। फेलोनी में तो क्या होगा कि ये सीवियर क्राइम होता है और इसके अंदर जो सज़ा होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, और जो मिसडेमेनर है उसके अंदर सज़ा होगी जो 1 साल से कम होगी। इसके अंदर लेस सीवियर क्राइम होता है, मतलब इतना सीवियर क्राइम नहीं होता, ठीक है। फेलोनी और मिसडेमेनियर, मिसडेमेनियर इसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मिसडेमेनियर, ठीक है, कि 1 साल से कम की सजा होगी इसके अंदर, और मतलब जो क्राइम होगा वो लेस सीवियर होगा। फेलोनी के अंदर सीवियर क्राइम होगा और पनिशमेंट जो होगी वो 1 साल से ज़्यादा होगी। इसके बाद में गुड सेमेटोरियन ला, गुड सेमेटोरियन ला मतलब एक इम्पोर्टेंट लॉ है, वैसे तो पूछते नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अपने को, अपन नर्सिंग फील्ड के अंदर है तो अपने को पता होना चाहिए। गुड सेमेटोरियन ला क्या है कि कोर्ट ने एक नियम निकाला कि जो भी व्यक्ति है, मतलब इमरजेंसी के अंदर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर या नर्स उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी केयर के अंदर अगर लो स्टैंडर्ड केयर आपने प्रोवाइड कर दी उसको, ठीक है, मतलब वहाँ पे नेग्लिजेंसी हो गई आपसे, तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि उसके अंदर आपको सजा का प्रावधान नहीं है गुड सेमेटोरियन लॉ से, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट क्या इमरजेंसी में आया है और हड़बड़ाहट के अंदर
आपसे मतलब जो केयर का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं रह पाया, ठीक है, उस नियम के लिए आपको मतलब छूट है वहाँ पे इमरजेंसी के अंदर, अगर आपसे ऐसी कोई गलती भी हो जाती है तो। ये लॉ अपने को क्या करता है, इमरजेंसी के अंदर प्रिवेंट करता है, अपने को बचाता है, ठीक है, यही है गुड सेमेटोरियन लॉ। उसके बाद में आते हैं एथिक्स। एथिक्स के अंदर कौन कौन से एथिक्स आते हैं? एथिक्स पहले तो चीज़ क्या है एथिक्स? एथिक्स अगर अपन प्रोफेशन की बात करें तो एक स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल्स है, अपने जो भी स्किल्स हैं। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक प्रोफेशनल सेट्स ऑफ स्किल्स है, ठीक है, एक स्किल्स का एक प्रोफेशनल सेट है एथिक्स। उसके एथिक्स के अंदर मतलब एथिक्स क्या है कि जो राइट और रॉन्ग के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है, राइट और रॉन्ग के अंदर जो डिफरेंस कर सके वही एथिक्स है, कि मोरली करेक्ट क्या है और एक्सेप्टेबल क्या है वही एथिक है, ठीक। उसके बाद में आता है इसमें एथिक्स के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस क्या मतलब क्या है कि ओब्लिगेशन टू डू वेल, अगर किसी ने अच्छा किया, ठीक है, ओब्लिगेशन टू डू वेल का मतलब है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अपन उसको शाबाशी देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, ठीक है, वही है बेनिफिशियंस। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे अपन ओब्लिगेशन उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको मतलब शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है, वही है बेनिफिशियंस। नॉन माल एफिशिएंसी। माल एफिशिएंसी तो क्या होती है, किसी को हार्म पहुंचाना, ठीक है, माल एफिशिएंसी। और नॉन माल एफिशिएंसी के अंदर अवॉइड टू डू हार्म, मतलब जो भी नुकसान है नुकसान पहुंचाने से बचना, अवॉइड करना, ठीक है, नुकसान जो भी हो रहा है उसको क्या करना, अवॉइड करना। नेक्स्ट आता है फिडेलिटी। इससे भी मतलब क्वेश्चन आया हुआ है फिडेलिटी से, ओब्लिगेशन टू रिमेन फेथफुल फॉर कमिटमेंट। फिडेलिटी का मतलब ऐसे बोले तो वफादार, एक तरीके से वफादार, ठीक है। इसके अंदर अपन ने जो भी कमिटमेंट कर दी ना, उस कमिटमेंट के लिए बने रहना, उस कमिटमेंट से अपन हिलेंगे नहीं, ठीक है, वही है फिडेलिटी। वफादार भी बोलते हैं वैसे इसको। वेरासिटी। वेरासिटी ओब्लिगेशन टू टेल ट्रुथ, मतलब मान लीजिए कि नर्स कोई नाइट ड्यूटी में क्या कर रही थी, नर्स नाइट ड्यूटी में क्या कर रही थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी, ठीक है, उससे नाइट ड्यूटी में कोई प्रोसीजर नहीं किया, ठीक है, नाइट ड्यूटी के अंदर नर्स ने क्या नहीं किया, कोई प्रोसीजर नहीं किया, और वो सुबह मतलब जो मॉर्निंग ड्यूटी स्टाफ को हैंड ओवर कर रही है तो उस टाइम वो बता रही है, तो यही है ओब्लिगेशन टू डू ट्रूथ, ठीक है, वेरासिटी बोलेंगे इसको। मतलब वो अपने सत्य बता रही है, उसने चाहे कोई काम नहीं किया लेकिन वो अपने सत्य पर अटल है, ट्रुथ पर अटल है, कि हाँ भाई मैंने ये काम नहीं किया तो नहीं किया, तो ये वेरासिटी। उसके बाद में एक आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? रेस्पेक्ट अदर्स आफ्टर सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि किसी की दूसरे की रेस्पेक्ट करना लेकिन कब, खुद निर्धारित करने के बाद कि हाँ भाई ये आदमी रेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, उसी आदमी को अपन रेस्पेक्ट देंगे जो आदमी रेस्पेक्ट के लायक हो। अपन खुद निर्धारण करते हैं कि हाँ भाई ये आदमी रेस्पेक्ट के लायक है या नहीं और उसको रेस्पेक्ट देते हैं, यही होता है ऑटोनॉमी। एक आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इफ़ द पेशेंट इन ट्रीटेड इन 2 डेज, मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में यह है कि अगर पेशेंट मान लीजिए 2 दिन के अंदर सही हो गया, उसको 2 दिन के अंदर फिर सही होने के बाद छुट्टी मिल जानी चाहिए थी हॉस्पिटल से, लेकिन अपन उसको क्या 3 4 दिन तक रोक के रख रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा दिन तक, हाँ भाई हॉस्पिटल का बिल बढ़ता रहे उसके लिए, तो वो हो गया एक तरीके से बंदी बना के रखना उसको, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इसको अपन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे। तो ये सारे जो थे वो मतलब अपने जो भी चैप्टर है इसके अंदर इंक्लूड है, लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग के अंदर, ठीक है, ये लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको आज बताया। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं समझ में आई, ताकि
ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। और मतलब जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो आपके मतलब फ्यूचर में जो भी नर्सिंग पेपर्स देंगे आप, नर्सिंग जो भी एग्ज़ाम्स देंगे उनमें भी फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं।